नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024। और मैं अपनी फैमिली के साथ गाड़ी लेके पुणे जा रहा हूँ, और मेरे पीछे जो शानदार वाइट सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आइए आपको और दिखाता हूँ। ये है MGM, नया जो कॉलेज खुला है वाशी में। और बिल्डिंग के साइज़ से आपको पता चल जाएगा कि कहने की बात है कि पहला साल है। और थोड़ा सा मैं आपको और बताऊँ, जहाँ से आपको सामने ब्लू बोर्ड देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं चक्कर काट के आ जाता हूँ अंदर, एज ए कभी पेशेंट बन के, कभी बच्चे का पेरेंट बन के, लेकिन वीडियो अंदर बनाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो इंटरेस्टिंग बातें बता दो। सबसे पहले तो भाई, अगर आप ऐसे कोई नया बंदा इसमें आएगा, गूगल मैप ने पिछला पूरा मेरा पौना घंटा ख़राब कर दिया, क्योंकि गूगल मैप जहाँ उतारता है उससे सिर्फ 3 मिनट दूर था और आसपास पता नहीं चलता है। तो आपको एड्रेस क्या दिखेगा, प्लॉट नंबर 4630A सेक्टर। लेकिन इसमें जो एक प्लॉट होता है ना, वैसे स्कूल कॉलेज का साइज़ देखिए ना, ये पूरा एक प्लॉट है, ठीक है। तो अगर इनऑर्बिट मॉल प्लॉट नंबर शायद 38 है, तो वहाँ से यहाँ पहुँचना अपने आप में 1-2 किलोमीटर है। और MGM ने बहुत बड़ा ग्रुप है नवी मुंबई साइड पे, इनका एक अस्पताल भी है जो सेक्टर 1 में है। तो फिर आधे लोगों ने मेरे को पहले अस्पताल में भेज दिया, फिर आपको पता ही है बॉम्बे की सड़कें, मतलब पिछले आधे घंटे से मैं गोल गोल घूम रहा था। तो सब अगर आपको जो लोग पहली बार पहुँचेंगे ना, आपको ये डाल लें गूगल पे, सामना का ऑफिस, जी हाँ, इसके ठीक बगल में वो जो बिल्डिंग है, वो सामना फेमस जो अखबार है जो शिवसेना निकालती है, उसका ये अखबार है, उसके बगल में है, वरना मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप गूगल मैप पे MGM वाशी मत डालिएगा, आप सामना प्रेस डालिएगा। वैसे लेफ्ट में देखिए जो ब्रिज सा जा रहा है ना, इसको बोलते हैं पाम बीच रोड। तो दूसरा तरीका क्या है यहाँ पहुँचने का, कि वाशी से जब आप पूना की तरफ जाएंगे तो आप उस ब्रिज पे चढ़ गए तो आप पार कर जाओगे। तो आप नीचे से आ रहे हो प्रैक्टिकली, तो पाम बीच रोड के ऊपर ये है, लेकिन इस तरफ है, समझिए बात को, वाशी स्टेशन उस तरफ था, ये इस तरफ है। तो वाशी स्टेशन से भी वॉकिंग है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, सामना प्रेस ये डालेगा गूगल मैप पे, नहीं तो आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे। कॉलेज में फ़ोन करोगे वो भी आपको कन्फ्यूजिंग बताएंगे। वो तो बाई चांस में MGM अस्पताल जो पहुँचा, वहाँ पर एक गार्ड समझदार था, उन्होंने बोला सर सामना ऑफिस बगल में है, और मुझे था कि सामना ठीक बताएगा। अब मुद्दे की बात, पहले तो देखिए मैं वही कहता हूँ जो लास्ट ईयर लोगों को लग रहा था, सर MGM वाशी का पहला साल है, अमृता फरीदाबाद का पहला साल है। देखिए पहला साल किस चीज़ का है, क्या पहला साल किसी नई कंपनी, नए एंटरप्रेन्योर का बिजनेस है, या पहला साल है अमृता फरीदाबाद जैसे कॉलेज का, MGM जैसे का, जिसका औरंगाबाद और पनवेल का कैंपस सालों साल से चल रहा है। तो पहले साल ये सुपर हिट हो गया, पहले साल ही कट ऑफ 350-400 नंबर गई, और जानी भी चाहिए थी। और जैसा मैंने कहा, किसी भी पैरामीटर में बच्चे को कमी महसूस नहीं होगी। डेफिनेटली देखिए, इस कॉलेज का पर्टिकुलर पहला साल है, तो यहाँ PG अभी नहीं होगा, सीनियर का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, दो नेगेटिव चीज़ें, मानिए ना मानिए, सीनियर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन दो फैक्टर के अलावा फिर से शानदार लोकेशन, यहाँ से इनऑर्बिट मॉल जो कि फेमस वाशी की मॉल है, मतलब 5 मिनट, जो मैंने बोला कि 1 किलोमीटर पैदल था, और इसका मतलब आप लोकेशन से आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे पीछे भी सब कुछ चल रहा है, मतलब इसे बसा हुआ एरिया। और फिर से कमिंग बैक, जो मैंने कल आपको बताया वीडियो में KJ सुमाया, कि महाराष्ट्रियंस के लिए, गुजरातीस के लिए, क्योंकि देखिए दोनों क्लोज स्टेट हैं, क्लोज से ज़्यादा ना सब्सिडाइज स्टेट हैं। कल मैं आपको बता रहा था कि चाहे सुमैया हो चाहे तरना हो, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा नेहरू का जो दूसरा बॉम्बे का मेडिकल कॉलेज है, तरना मेडिकल कॉलेज। SC ST के लिए फ्री एजुकेशन है, जनरल कैटेगरी 8 लाख फीस, OBC 3 लाख फीस, कोई नहीं छोड़ता अपनी सीट अदर देन मे बी फ्यू जनरल। तो सबकी सरकारी नहीं, प्राइवेट कट ऑफ भी 500 के ऊपर है, सेम जो मध्य प्रदेश में होता है, सेम जो साउथ के 5 स्टेट्स में होता है। साउथ में तो फिर भी ये है कि 15-20% सीटें फिर भी ओपन हैं, महाराष्ट्र में भाई कोटा ओपन है, पर ये जो MGM वाशी है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, और इसलिए इसमें सारी सीटें हैं वो पूरे हिंदुस्तान के लिए अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ख़राब है, मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, लेकिन लोग ना मुझसे पूछते हैं कि सर क्या डीम्ड अच्छी होती है, क्योंकि लोगों गलत फहमी है। और मैंने कई बार वीडियोज़ में आपको समझाया है कि कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो वैसे डीम्ड हैं, लेकिन डीम्ड होकर भी आप MCC काउंसलिंग में आते हो, स्टेट काउंसलिंग में आते हो, उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि आपके पास कोई स्टेट रिजर्वेशन है कि नहीं है। सो उत्तराखंड के तीनों कॉलेज, द फेमस जॉली ग्रांट भी डीम्ड है, गुरु राम राय भी डीम्ड है, गौतम बुद्धा भी डीम्ड है, हिमाचल का MMU सोलन भी डीम्ड है, राजस्थान के तो सारे कॉलेज डीम्ड हैं। बट चूँकि सबके अंदर एक रिजर्वेशन है राजस्थानियों के लिए या SC ST के लिए, तो इसलिए उनकी काउंसलिंग जो होती है वो स्टेट काउंसलर्स कराती हैं, पर वो भी डीम्ड हैं, तो उनका भी पढ़ाने का तरीका इंडिपेंडेंस डीम्ड वाली है।
और जो डीम्ड में कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं है, 85% सीटें सबके लिए, 15% NRI के लिए, वो MCC कराती है। तो लोगों को लगता है कि वो असली डीम्ड है, वो नकली डीम्ड है, ठीक है ना। और डीम्ड का मतलब क्या होता है, अपना सिलेबस, अपना कोर्स, अपने एग्ज़ाम। और स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो होता है जिसमें एक, वो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंडर, जैसे हरियाणा की बात करें तो आदेश, NC और झज्जर, ये BD शर्मा यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर PGM रोहतक भी आता है। तो कई लोग बल्कि ये सोचते हैं सर मेरे को सरकारी डिग्री मिल रही है, BD शर्मा की मिल रही है, या राजस्थान की बात करें तो अमेरिका और अनंता जिनको डिग्री मिलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी की मिलती है, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब डीम्ड में आते हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सारे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंडर ही आ जाएंगे। सो ये MGM वाशी है। देखिए MGM में कन्फ्यूज़ होते हैं, जो पुराना कॉलेज है वो पनवेल में है, कहते दोनों को नवी मुंबई है, बट पनवेल यहाँ से अभी और 15-20 किलोमीटर बाहर पड़ेगा, जब प्रैक्टिकली नवी मुंबई को बाहर निकल जाते हो। ये नया है जो 2023 में पहला बैच था, अब 2024 में आएगा इसका सेकंड बैच। 21 लाख रुपए साल की फ़ीस है, हॉस्टल मिला के वही 1-1.5 का पैकेज पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, रिच बेल्ट है पूरे महाराष्ट्र कोल्हापुर की, इसको हम रिच बेल्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं, फिल्म स्टार, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उनके पास उनके बच्चे के 450 नंबर है तो कहाँ जाएगा। तो इसलिए MGM की जो कट ऑफ्स है वो हाई जाती हैं, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग रीज़नेबल है ना। डीवाई पाटिल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा नवी मुंबई की, यहाँ से बस 5-10 मिनट दूरी है नेरूल में, जहाँ पर 2.25 करोड़ का पैकेज हो गया, फिर भी सारी सीटें क्यों भरती हैं, क्योंकि वही बात है कि बॉम्बे का आदमी कहाँ जाएगा, बॉम्बे पूना कोल्हापुर जो रिच बेल्ट ऑफ इंडिया। पॉइंट मेरा ये था ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि उस चीज़ के बाहर निकलिए कि भाई सर जो MCC काउंसलिंग कराती है वही अच्छा है। हैविंग सेड दैट, दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। आप मेन बॉम्बे में रह रहे हो तो आपको वो रहने खाने का सुख है, खाने पीने की दिक्कत है नहीं, अब तो बॉम्बे सिटी में हो, वेरी सेफ सिटी। इस समय 1 जनवरी है, धूप ऑलरेडी आ चुकी है, 10 बजे का टाइम है सुबह का, तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आप जानते ही हैं हमारा नंबर 9643362320, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। मैं बार बार कहता हूँ हम आपको तंग नहीं करते, टेलीकॉलिंग नहीं कराते, SMS नहीं भेजते, आप एक बार फ़ोन करोगे दोबारा कॉल करके दुखी नहीं करते। हमारा स्टाइल है काम करने का, अच्छा काम करते हैं, आप जैसे लोगों का प्यार है, और इसलिए हम बिना चार्जेस के बात भी नहीं करते। तो मैं ही बात करता हूँ आपसे, 2500 रुपये मिनिमम टेलीफोनिक बात करने का, 5000 रुपये फेस टू फेस मीटिंग का, और फिर जो भी आपके नंबर होते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, उसके हिसाब से आपका MBBS का पैकेज होता है। वो जो MBBS का पैकेज है उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्लीज़ उसको भी देखिए, ताकि फिर आप सोच समझ के हमें फ़ोन कीजिए, ताकि आपका हमारे दोनों का समय ना ख़राब हो। आपको मुफ्त वालों से काम कराना है जो मुफ्त में आपको 2-2 घंटे बात करेंगे, आप उनको कॉल कीजिए, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, हैप्पी न्यू ईयर 2024 वंस अगेन, टेक केयर। हम जा रहे हैं एक्चुअली पूना होते हुए गोवा, तो आई विल बी बैक इन दिल्ली ऑन 7th की फ़्लाइट है मेरी सुबह की, दोपहर की, तो फिर 8 तारीख से आप लोगों से दोबारा मीटिंग स्टार्ट होंगी। फिर भी कोई टेलीफोनिक मीटिंग लेना चाहता है तो मैं दे रहा हूँ, ऑफिस का काम हमेशा मेरा साथ चलता रहता है, लैपटॉप में हमेशा कैरी करता हूँ, गाड़ी में बॉम्बे में मेरे पास आई, बॉम्बे तक हम फ्लाइट से आते हैं और फिर अपनी गाड़ी लेके चलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।